दो नौजवानों पर हुआ जानलेवा हमला। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद में फोर्ट व्यू कॉलोनी में फराज और मखदूम के ऊपर 10 से 12 लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में फराज और मखदूम जख्मी हो गए और जर्मेंटाइन हॉस्पिटल में वो ज़ेर इलाज हैं। ये हमले की वजह पुरानी दुश्मनी बताई गई है। आइए सुनते हैं इसकी मज़ीद तफसीलात। क्या नाम है आपका? मखदूम। ये लड़ाई कब हुई? ये 5-6 बजे। ये लड़ाई की वजह क्या है? क्योंकि सामने से पहले का बदला नहीं है। क्या नाम है उन लोगों के? फराज, इब्राहिम, काब और कुछ जने थे। आप लोग कितने जने थे? हम लोग सिर्फ 4 जने थे। कहाँ पे हुआ ये? हमारे घर के नीचे अटैक करने आए 20-40-50 जने। मेरे को बैटों से मारे। फिर सर पे मारे थे तो हाथ रखे तो चाकू आते उन लोगों ने। फिर मेरे भाई को मारे, मेरा भाई बचाने आया था। क्या नाम है आपके भाई? पे हाथ लगा था, मेरा भाई बड़ा बचाने आया था। सोहेल सोहेल यहाँ पर बैट से मारे, फिर चाकू से मारने गए, मैं गिर गया। कौन से एरिया में आपका घर? फोर्ट व्यू कॉलोनी पिलर नंबर 191 टाइम फिक्स बैंड। मैं फोर्थ व्यू कॉलोनी से बोल रही हूँ। शाहिद पीरा और शाहिद पीरा के बच्चे दोनों मिलके मेरे बच्चे को मारे और उसको ब्रेन पे मारे और कान पूरा कट गया उसका, स्टिचेस लगे और ब्रेन हैमेज हो गया और स्पाइनल पे भी हैमेज हुआ उसको, और स्पाइनल कॉर्ड पे भी बहुत ज़ोर से लगी उसको, और अब तो अंडर कॉन्शियस है और उसको सर्जरी के लिए बोल रहे, और उन लोगों के पास हथियार है। 20-25 जने आके मारे, एक बच्चे को नहीं मारे, 10 जनों को मारे एक साथ आके, और एक्शन लेना ज़रूरी है उन लोगों के ऊपर। शाहिद पीरा और शाहिद पीरा के बच्चे सिराज एंड फराज एंड उनके फ्रेंड्स पूरे 20-25 जने कुछ थे वो लोग, और वो लोग के पास हॉकी स्टिक, बेसबॉल स्टिक एंड छुरी थी और बहुत सारे थे उन लोगों के पास जो चीज़ा, वो लोग पूरे जेब में रख के और हाथों में रख के लेके आके मारे, और इन लोगों के ऊपर एक्शन लेना ज़रूरी है और पुलिस उन लोगों को अरेस्ट करना ज़रूरी है, उन लोगों के ऊपर केस करना ज़रूरी है, और पुलिस उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रही। अभी भी आप जाके देखिए पुलिस उनके घर के पास है, उन लोगों को अरेस्ट पुलिस अब तक नहीं करी। उन लोगों को लड़ाई की वजह सिंपली कुछ भी नहीं है, वो लोग कॉलोनी में रहते हैं कि कॉलोनी में हम ही सब कुछ है बोलते हैं वो लोग, और उनकी चलना बोलते हैं अननेसेसरी, कुछ भी यहाँ पे उसका लड़ाई की कुछ है ही नहीं। वो लोग सिंपली आके मारे, घर के सामने आके मारे, वो लोग 25-30 जनों को लेके आके मारे। स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं, बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट है बच्चे का, बच्चा अमेरिका जाने वाला था, बच्चे का एक 1 मंथ में इंटरव्यू है, बच्चे को ऐसा मारे वो लोग, और इस पर एक्शन लेना ज़रूरी है। एक को बल्कि नहीं, उन्होंने रस्ते में चलते हुए औरतों को भी छेड़ते और एक्टिवा पे गए तो कटा मारते औरतों को, और वो लोग इतने ख़राब है, उन लोगों के ऊपर एक्शन लिए लो बल्कि, यही है हम लोगों की दरख्वास्त, यही है। हम इससे पहले भी उन लोगों के ऊपर कंप्लेंट करे थे, बट कि वो लोग बोले कि हम लोग नहीं करते ऐसा कुछ भी, आके माफ़ी मांगे वो मांगे, तो हम लोग खामोश बैठ गए। फिर नेक्स्ट टाइम वो लोग फिर अब इतना खतरनाक करे, और बच्चे की हालत बहुत सीरियस है। और कॉस्मिक बेक जोन पेश करते हैं उम्दा मुलायम दम के रोट, असली घी, मेवा जात बादाम, काजू, पिस्ता और असली खोए से तैयार करदा उम्दा मुलायम लजीज और जायकेदार दम के रोट। एक बार खाएं तो खाते ही रह जाएं। आपकी सहूलत के लिए मुफ्त डोर डिलीवरी का भी बेहतरीन इंतजाम। बस अपना फोन उठाएं और हमें ये नंबर मिलाएं 9985271007944155445, और गर्मा गर्म ताजे दम के रोट आपके घर पहुंच जाएंगे। सऊदी अरब, दुबई और दीगर बैरून ममालिक रवाना करने के लिए खसूसी पैकिंग भी किया जाता है। तो फिर देर किस बात की, अभी मंगवा लें कॉस्मिक बेक जोन के, कॉस्मिक बेक जोन के जायकेदार दम के रोट आपके मुंतजिर। कॉस्मिक बेक जोन, महबूब नगर।